हट जाओ पीछे। देखिए ये है हामिन, जिसे कहते हैं रेड स्नेक, घोड़ा पठान। जहरीला बिल्कुल नहीं रहता, बस ये है कि काफी बड़ा हो जाता है, जिसको देख के आदमी डर जाता है कि काफी बड़ा है तो कुछ जहरीला होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर जहर नहीं है। बाकी काटने में बहुत तेज है और काटने पे इन्फेक्शन बैक्टीरिया इसका होना बहुत संभव है कि अगर काट लेगा तो आपको इन्फेक्शन होगा, मगर यह है कि किसी की मौत नहीं होगी। अगर सही समय पे आप उनको एंटीसेप्टिक से धो लेंगे और ट्रीटमेंट उसे ले लेंगे तो आपको कुछ होगा नहीं। बाकी ये कितना मेहनत कराना पड़ा, आप लोग देखे हैं बहुत मेहनत के बाद ये निकला है, तो आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को कुछ इसके बारे में कि क्या है, कौन सा साफ है, ये क्या है? वो है फ्लाइंग स्नेक, ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक, ट्री पे मतलब। हाँ ये भी अच्छा है, ये भी पेड़ पे बहुत अच्छा चढ़ जाता है, क्लाइंबर अच्छा है, एकदम ऊपर चढ़ जाएगा। और अधिकतर घर के पास आप यहाँ देख रहे हैं कितना बिल था, तो सब में चूहे ही चूहे हैं, तो चूहे के चक्कर में ही ये आता है। और देखिए आपका तो डॉगी इतना अच्छा है कि आपको कंफर्म करा दिया कि चेतावनी दे दिया कि भाई भौंकने पे समझ में आ गई कुछ है। दोबारा फिर वैसे ही भूखा तो हम लोग कहे कि नहीं, लग रहा है फिर आ गया। हाँ नहीं तो हम तो यही थे, हम इसको छोड़ने ही जा रहे थे, तब तक आप दोबारा फोन कर देते हैं चले बराबर देख लिया जाए। बाकी ये जहरीला नहीं, अभी आधा साइज का है, अभी ये भी और डबल बढ़ेगा, मतलब ये रोड के बराबर कम से कम 8-9 फीट तक का ये पहुंच जाते हैं, 10 फीट तक का। बाकी इसके अंदर कोई जहर नहीं है। आइए देखो, देखो लीजिए सर, देखिए। अरे नहीं सर, और उसका पूरा ब्लैक रहता है, उसमें येलोपन कहीं नहीं, देखिए इसका मतलब येलो और ब्लैक दोनों में है। तो ये हमारा रेड स्नेक है, इसका मुंह देखिए पतला है, नोखीला है, और जो कोबरा रहता है उसका चौड़ा रहता है, ये यहाँ से सारा चौड़ा रहेगा, ऐसा काफी वो है। और देखिए पेड़ पे इसीलिए चल जाते हैं, देखिए पेड़ पे चढ़ने के बाद ये अपने आप को वहाँ बांध लेते हैं कि पेड़ पे से लटकने में इनको आसानी रहे। तो ये हमारा स्नेक है, कोई जहरीला नहीं है, बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहिए। अब ये बच्चा है, अभी छोटा है, अभी थोड़ा और बड़ा होगा। और देखिए सावन चल रहा है, तो हम तो सब लोग जानते हैं कि भाई सावन में हर जीव जंतुओं को, चाहे बैल हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई भी हो, उसका सेवा करें, उसको मारे ना, क्योंकि प्रकृति में एक एक चीज कम होते जा रहा है। आने वाले डिकेड में जो 10-20 साल 30 साल और अगर, तो हम लोग ये सब चीज नहीं देख पाएंगे। इंसान खुद इंसान को नहीं देखना चाहता है अपने, तो ये तो जानवर, इनके लिए तो कोई हमारे दिल में जगह ही नहीं बचा, इसलिए हमको इसको बचाना है। हाँ काटता बहुत ले जाएंगे इसको, हम जंगल में वाला। तो देखिए अभी जो हम लोग ने रेड स्नेक पकड़ा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, मगर फिर भी देखिए इसे कहते हैं रेड स्नेक हामिन, जो जहरीला बिल्कुल नहीं है, मगर काटता बहुत तेज है, इसलिए हमें इसको कभी भी गलती से मुंह के पास पकड़ना नहीं चाहिए, और हो सके तो इसको छोड़ ही देना चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए। आओ देखो, आओ जरा।